एक बार आपका सिस्टम नियमित हो गया तो आप देखेंगे कि डायबिटीज चली जाएगी। 6 हफ्तों के अंदर हम देखेंगे कि आपकी डायबिटीज गायब है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे शरीर में ही एक अस्थिरता है। हमने बस उन्हें उनके एनर्जी सिस्टम और शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ सरल प्रक्रियाएं सिखाई थी। ये अनाज बहुत धीरे धीरे घुलने वाला अनाज है, मतलब शुगर झटके से नहीं बढ़ेगी। मैं जानता हूं आज इस धरती की सबसे बड़ी महामारी डायबिटीज है। वैसे आज की तारीख में लोग बस शुगर को चेक कर लेते हैं, या तो उनके खून में या मूत्र में, और एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनमें शुगर का होना एक विशेष अंग से संबंधित है, यानी पित्ताशय। या तो ये काम नहीं कर रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, पर योग में हम इसे ऐसे नहीं देखते। योग सिस्टम में हम कहते हैं अगर आपका व्यान प्राण अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसका एक साकार रूप डायबिटीज है। असल में ये शरीर की अस्थिरता है। आप सिर्फ शुगर को देख रहे हैं, शुगर ज्यादा हो सकती है, पर मुद्दा वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे शरीर में ही एक अस्थिरता है। अगर आपको कोई दूसरी साधना नहीं आती है तो एक आसान तरीका है कि पृथ्वी के संपर्क में रहा जाए, यानी मिट्टी के। मिट्टी का समृद्ध गुण और इस शरीर की समृद्धता आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर आप मिट्टी से जुड़ जाएं, या अगर आप खेती नहीं भी करते तो शायद कम से कम आप थोड़ी गार्डनिंग कर सकते हैं, नंगे पांव और नंगे हाथों से। अगर वो भी संभव नहीं है, अगर आप घोंसले में रहते हैं, अगर ऐसा है तो कम से कम खुद को मिट्टी से स्नान करवा लीजिए। थोड़ी मिट्टी लीजिए, पूरे शरीर में उसका लेप लगाइए, सूखने के लिए 30-40 मिनट वेट कीजिए और फिर उसे धो डालिए। एटलीस्ट कम से कम शायद कुछ महीनों में एक बार। तो कम से कम ये सरल चीजें, जैसे कि अपने बगीचे में नंगे पैर चलना, ये भी आपके व्यान प्राण को एक हद तक स्थिर कर सकता है। ऐसी क्रियाएं हैं जो सिस्टम में इस तरह से स्थिरता लाती हैं कि स्वाभाविक रूप से बाद में ये शुगर के स्तर पर असर डालेंगी। हमारे यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ रहकर अपनी डायबिटीज से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है। For most of them, we didn't treat the diabetes at all. We just taught them some simple processes to stabilize. उनमें से ज़्यादातर को हमने डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया था। हमने बस उन्हें उनके एनर्जी सिस्टम और शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ सरल प्रक्रियाएं सिखाई थीं, और उसी से वो अपनी डायबिटीज की हालत से बाहर निकल आए। शांभवी महामुद्रा भी ऐसा करने में सक्षम है। एक बार आपका सिस्टम नियमित हो गया तो आप देखेंगे कि डायबिटीज चली जाएगी, पर अगर आपको इससे बाहर आने का और तेज और प्रभावी तरीका चाहिए तो अगर आप हमारे साथ 6 हफ्ते बिताएं तो लगभग 70% मामलों में हम देखेंगे कि आपकी डायबिटीज गायब हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही मीठे होते हैं, उन्हें शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर कम से कम 70% लोग 6 से 8 हफ्तों में इसे बाहर निकल आएंगे। अगर आपको डायबिटीज है तो सिद्ध में हमारे पास शक्तिशाली सिस्टम है, आप उसे ले सकते हैं, पर सिद्ध थोड़ा कड़वा है। अगर आपकी डायबिटीज इतनी आपको इतना परेशान नहीं कर रही तब आप इतनी कड़वी दवाइयां नहीं लेंगे, तो हम आयुर्वेद को चुनेंगे। सिद्ध वैद और थोड़ा आयुर्वेद, अच्छा खाना और एक्सरसाइज, आप आसानी से इस चीज को उलट सकते हैं। मिलेट को पकने में समय लगता है, इन्हें चावल से थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है, पर इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये बहुत धीरे धीरे घुलने वाला अनाज है, यानी कि आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर आप मिलेट खाते हैं ये अपने ग्लूकोज वाले हिस्से को बहुत धीरे धीरे छोड़ता है। इसलिए खास तौर से जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनकी ज़िंदगी डायबिटीज की वजह से ख़तरे में है, आपके लिए रागी है और दूसरे मिलेट भी हैं जो बहुत बढ़िया काम करेंगे।